मध्य प्रदेश के साथ देश भर में सनसनी फैलाने वाले हनी ट्रैप मामले में एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं। इसके शिकंजे में प्रदेश के कई बड़े और सफेदपोश नाम भी फंसते दिख रहे हैं। खबर है कि गिरफ्तार महिलाओं के पास से अब तक 8 बड़े राजनेताओं और 5 बड़े अफसरों के अश्लील वीडियो क्लिप बरामद कर ली गई है। सूत्रों का दावा है कि इन राजनेताओं में एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व राज्यपाल और कई सांसद और विधायक का नाम भी शामिल है। साथ ही जिन अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें भी पुलिस विभाग के आला अधिकारी हुस्न के जाल में फंसे हुए हैं। इस पूरे नेटवर्क का संचालन एक एनजीओ के जरिए होता था, जिसमें एनजीओ की संचालिका कई कॉलेज छात्राओं के जरिए भी बड़े चेहरों को अपने जाल में फंसाती थी। तो हनी ट्रैप मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 8 बड़े राजनेताओं और 5 अफसरों के नाम के खुलासे हुए हैं। वहीं पर इन महिलाओं के पास से महंगे घर और ऑडी कार भी जब्त की गई है और एनजीओ का संचालन करती थी महिलाएं बताया गया है। और ये पूरा मामले का खुलासा सिर्फ और सिर्फ एक एफआईआर के जरिए हुई है। इंजीनियर ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद ये पूरा लगातार खुलासा हुआ है। वहीं से खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे एडिटर इन चीफ मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, एक के बाद एक कई खुलासे इस हनी ट्रैप में होते जा रहे हैं और कई बड़े राजनेताओं के नाम सामने आए हैं, अफसरों के नाम सामने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? संचिता, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सवाल यही होता है, क्या इस पर ठीक ढंग से कार्रवाई हो पाएगी, क्या इस पूरे मामले में जो लोग जुड़े हैं उनके चेहरे उजागर होंगे? तो हमें लगता है इस पर एक प्रश्न लग जाता है और यही प्रश्न यहां भी खड़ा होता है, क्योंकि जो लोग, जिन लोगों के नाम, जिन लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं, यदि उसका खुलासा होता है तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिएगा कि कई ऐसी बातें सामने आएगी जो चौंका देगी लोगों को। आप देखिए, मंत्रालय के कई अफसर इसमें शामिल है, जिस तरह की बातें कही जा रही, और मंत्रालय के ही एक अफसर कुछ दिन पहले जब एक वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से इस पर, इस पूरे गिरोह पर नजर लगी हुई थी और इसीलिए इस पूरे मामले को एटीएस ने अपने हाथ में लिया। कई दिनों से इस पर पहले रेकी की गई पुलिस की तरफ से, ये तमाम सारे के सबूत जुटाए गए कि आखिर कैसे इस गिरोह पर हाथ डाला जाए, क्योंकि ये गिरोह बेहद हाई प्रोफाइल गिरोह था। 2 श्वेता जैन इसमें शामिल है, दोनों ही बहुत मास्टरमाइंड थी इसमें। इसके अलावा बरखा की बात करें या फिर एक अन्य महिला आरती, जिसका नाम छतरपुर से आ रहा है, जो छतरपुर की रहने वाली है, उसके अलावा एक और छात्रा मोनिका, तो ऐसे कुल मिलाकर 5 लोगों के इसमें नाम सामने आए। लेकिन ये नाम तो वो है जो सतही तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन ये गिरोह बहुत बड़ा है। और मजेदार बात इसमें ये भी है कि इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं, जो जुड़ी हुई महिला थी, वो बहुत ही खूबसूरत महिलाओं को ये लोग चयन करते थे, धीरे धीरे कर अपने एनजीओ में शामिल करते थे और एनजीओ के बहाने उन दफ्तरों तक पहुंचाते थे जहां से इनका काम हो जाए। लेकिन जैसे ही एनजीओ की फाइल आगे बढ़ती थी, फिर दूसरी फाइल खुलना शुरू हो जाती थी और उसके बाद फिर वो अफसर जो कहीं ना कहीं हनी ट्रैप में फंस जाया करते थे, बाद में उनका ही इस्तेमाल किया जाता था। आप देखिए, इसमें ऑडी गाड़ी बरामद हुई है, क्रेटा गाड़ी बरामद हुई है, कई तरह की बड़ी हाई प्रोफाइल गाड़ियां मिली है, हाई प्रोफाइल लोगों से संबंध मिले हैं, जो लैपटॉप मिला है, जो मोबाइल मिले, करीब 16 ऐसे वीडियो है जो न्यूज बल के पास जानकारी है। इस 16 वीडियो में अलग अलग लोगों का जिक्र है, अलग अलग लोग रंगरलियां मनाते नजर आ रहे हैं और ये सब वही है। इसमें कहीं पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है, पूर्व राज्यपाल का नाम आ रहा है। खास बात तो यह है कि पुलिस के अफसर भी इस जाल में फंसे हुए हैं। एक सीएसपी स्तर के अधिकारी जो पहले भोपाल में भी रहे हैं, फिर इंदौर में रहे हैं, उनका नाम भी इसमें खूब चर्चा में बना हुआ है। उसके अलावा एक और सीएसपी स्तर के अधिकारी, उनका नाम भी खूब चर्चा में बना हुआ। यही नहीं, 2 एडीजी, एक पूर्व डीजी, ऐसे तमाम सारे लोगों के नाम इसमें शामिल है। और जहां तक बात करें सफेदपोश नेताओं की, तो एक सांसद है, उन्होंने तो यहां तक, जो चर्चा है कि यहां तक स्थितियां पहुंच गई थी कि वो सुसाइड करने की तैयारी में थे, लेकिन उनको मनाया गया, बाद में उसको उस जाल से बाहर निकाला गया। लेकिन धीरे धीरे कर कई सारे विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री और वर्तमान सरकार के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं और इसीलिए इस मामले को भोपाल से इंदौर पहुंचाया गया, ताकि इंदौर में ठीक ढंग से पूछताछ हो सके। यदि यहां रहता तो ये मामला और गर्माता, इसलिए वहां से पूरी राजनीति इसकी चलेगी। लेकिन यदि अब इसमें ठीक ढंग से खुलासा होता है तो इसमें कई ऐसे चेहरे सामने आने वाले हैं जो होश भी उड़ा देंगे और बता भी देंगे कि जिन सपूत पर, इस चेहरे पर आप विश्वास करते हैं, जिन अफसरों पर आप विश्वास करते हैं, लेकिन हनी का ऐसा जाल है कि इसमें हर कोई फंस जाता है। दरअसल ये भी कहा जा सकता है कि
हर कोई लालच में आने की वजह भी यही है कि जब सामने एक हसीन का चेहरा होता है तो हुस्न की नजाकत कुछ इस तरह फिदा कर देती है लोगों को कि लोग भूल जाते हैं कि हम है कहाँ, और शायद यही गलती उनके लिए गले की फांस बन जाती है। कई परिवारों में इसको लेकर बिकटन मचा हुआ है, कई परिवारों की तरफ से ये बात आ रही है कि आईएएस अफसर ने तो यहाँ तक उसकी पत्नी तक पहुंच गई थी उसकी शिकायत दर्ज कराने, बाद में फिर इस मामले को समझाया गया। तो इसमें आईएएस है, आईपीएस है, पुलिस राज्य स्तर के अधिकारी शामिल है, डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल है, एक आईएएस जो दो जगह पदस्थ रहे इंदौर और भोपाल में, जिनकी बड़ी अच्छी खूब चर्चा है, इसमें सर्वाधिक चर्चा उन्हीं की बनी हुई है। तो ऐसे तमाम तरह के चेहरे हैं, सांसद है, विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री है, मंत्री है, तो एक लंबी फहरिस्त है इसमें। लेकिन सवाल यही है क्या आगे जिस तरह की जांच चल रही, दो दिन की रिमांड पर पांचों को लिया गया है, पांचों से पूछताछ जारी है, लेकिन रिमांड में यदि जो बातें पुलिस ने अंदर बंद कमरे में हासिल की होगी यदि उनका खुलासा किया गया तो मुझे लगता है लंबा आगे बढ़ने वाला। एक और आपको नई जानकारी दे दूं कि ये मामला यही नहीं है बल्कि राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ अफसरों से भी इसके तार जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये वहां तक जाकर अपनी एनजीओ का काम कराती थी और धीरे धीरे कर उनको भी फांस लिया करती थी। मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी का नाम भी इसमें शामिल होने आ रहा है जिसने एनजीओ की मदद की है। मनोज जी, वहां पर एक सवाल ये भी उठता है, जिस प्रकार से लगातार राजनेताओं के बड़े बड़े अफसरों के नाम के खुलासे हो रहे हैं और एक पूर्व सांसद ने आत्महत्या तक की कोशिश भी की इस पूरे मामले को लेकर, जिस प्रकार से इस गिरोह के लिए कोई कार्रवाई हो रही है, सख्ती से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कदम उठाएगी, तो क्या इन राजनेताओं के लिए भी कोई निर्देश जारी करने चाहिए? जिस प्रकार से जनता ने अपने भरोसे पर बिठाती है और इस तरीके के बाद में फिर ये मामलों का खुलासा बड़ा होता है तो ये बड़ा दुखदायी होता है, तो क्या इस पर भी कोई एक्शन होना चाहिए? देखिए, जनता से बड़ा दुखदायी तो ये होता है संचिता कि आप जिस परिवार से जुड़े हैं, आज जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनके परिवार के लोगों के मन में क्या आ रहा होगा, उनके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, उनकी भी अपने परिवार होंगे, उनकी अपनी भी पत्नी होंगी, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा तो आपका आपके परिवार में खुलासा हो जाता है कि आप किस तरह के घटनाक्रमों में शामिल है। तो ये सबसे बड़ी बात है। जहां तक बात करें जनप्रतिनिधि होने की, तो आप देखिएगा ये पहला मामला नहीं है, हनी ट्रिप का मामला पहले भी आया था, लेकिन ये जिस तरह से हुस्न की जाल में लोग फंसते जाते हैं ये उसी तरह का मामला है। रंगरलिया मनाते हैं, बाद में वीडियो बन जाते हैं, आज आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आप पल पल की आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप कहाँ बैठे हैं आपका वीडियो बन रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये गलतियाँ हैं और निश्चित रूप से हमें लगता है इससे सबक जरूर लेंगे लोग, लेकिन सबक लेने के साथ ही शायद इस तरह के निर्देश भी जारी होंगे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। और देखिए, सरकार की मंशा नहीं होती तो इस मामले का खुलासा नहीं होता, और सरकार भी ये चाह रही थी। दरअसल जैसे ही कैसे स्तर के जो अधिकारी फंसे थे उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ था मंत्रालय में, और पुलिस और कई अधिकारी इसमें शामिल है। स्वाभाविक है जब इनसे जो चीजें बरामद होंगी तो कई चीजें डिस्ट्रॉय भी होंगी, तो वो जो नाम जो सामने आने वाले थे उनका खुलासा ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पूरे मामले का ठीक ढंग से पुलिस जो जांच कर रही है वो खुलासा कर पाएगी, और यदि खुलासा कर पाई तो और भी इसमें सफेदपोश नेता भी शामिल होंगे, विधायक भी शामिल होंगे, पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, कई ऐसे एनजीओ, कई परिवार, कई लोग इसमें शामिल होंगे। और बड़ी बात यह भी है कि इसमें भोली भाली लड़कियां जो छोटे शहरों से आती, जिन्हें अचानक बड़े शहर की हवा लग जाती है, उनको इसमें दरअसल शामिल किया जाता था, क्योंकि आप जिस घर से आ रहे हैं उस घर से आपको उतना खर्चा उठाने का पैसा नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे कर वो खुद भी इस तरह के जो श्वेता जैन तरह के जो ग्रोह चलाते हैं उसमें शामिल हो जाती है, बाद में उनका इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इस्तेमाल दोनों तरफ होता है। एक तो वो लड़की खुद फंस चुकी होती है इस जाल में, और दूसरी बात यह है कि फिर उसका शिकार जब छोटे शहरों से लड़कियां आती है तो वो इसी तरह की हवा में बह जाती है, और उसका खामियाजा उस परिवार को भी भुगतना पड़ता है, और उसका लाभ कोई लेता है तो श्वेता जैन तरह के ग्रोह लेते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे एडिटर इन चीफ मनोज सैनी जी। तो हनी ट्रैप मामले में एक के बाद एक लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, मंत्री और अफसरों के नाम उजागर हो रहे हैं, एक बड़ा मामला सामने आया है जिसके बाद अब कोई सख्ती से कार्रवाई भी होगी। इसमें पूरे मामले में पांच महिलाओं के साथ एक पुरुष को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।